हेलो हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मॉमीज जर्नी। मैं एक्चुअली वीडियो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद बना रही हूँ बिकॉज एक्चुअली मेरे को बेबी हुआ है। मैं जनरली बेबी के वीडियोस भी पोस्ट करती रहती हूँ। एक्चुअली हमारा बेबी बहुत नॉटी है तो मेरा पूरा टाइम उसके पीछे ही लग के हो जाता है, तो इसीलिए मैं एक्चुअली वीडियोस नहीं कर पाई थी। एज अ न्यू मॉम यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कितना डिफिकल्ट होता है बेबी के साथ सब वर्क्स देख के, उसके बाद यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए। बट जो मैं पहले प्रेगनेंसी वीडियोस जो मैं रखी थी तो उसके बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आए थे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। सो इसीलिए मैं सोची कि अब मेरे को वीडियोस करना चाहिए, सो आई एम टेकिंग आउट टाइम नाउ। और मैं चाहती हूँ कि मैं और भी वीडियोस करूँ, सो प्रेगनेंसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। आज का वीडियो है रिगार्डिंग सर्कलाज। सो प्रेगनेंसी में सर्कलाज करके एक प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं सर्वाइकल सर्कलाज, तो ये एक्चुअली मेरे को हुआ था। सो मैं ये एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि वो कैसा हुआ था, वो क्या है एंड ऑल, बिकॉज बहुत सारे मॉम टू बीज और जो लाइक बेबी करने चाहते हैं तो उन सबको ये सब जानना चाहिए, बिकॉज मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं थी, मुझे नहीं पता था सर्कलाज मतलब क्या होता है। तो मेरी डॉक्टर ने जब मेरे को कहा कि आपको सर्कलाज प्रोसीजर करना होगा तो मैं थोड़ा टेंस हो गई थी, वरीड हो गई थी, लेकिन मुझे बहुत भरोसा था मेरे डॉक्टर पे और उन्होंने बहुत अच्छे से डील किया, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया। सो इसीलिए मैं ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती ताकि इस वीडियो से आपको हेल्प हुए और ये चीज़ आप जाने, तो आपको जब किसी को भी अगर ये सिचुएशन आए तो वो नर्वस ना हो, टेंशन ना हो। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे और ये वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्किप मत कीजिए ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके। एक्चुअली जब मैं 12th और 13th वीक में थी, यानी कि थर्ड मंथ कंप्लीट होने के बाद फोर्थ मंथ एंटर होते ही, तो मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी, जनरल चेकअप। तो उससे पहले थर्ड मंथ में ही मेरा अल्ट्रासाउंड किया था। अल्ट्रासाउंड में हमारा सारा जो भी लाइक रिपोर्ट आते हैं उसमें सर्विक्स का मेजरमेंट होता है। तो मैं आपको सर्विक्स क्या है थोड़ा क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो सर्विक्स मतलब सपोज ये आपका यूट्रस है, मतलब गर्भ जो बोलते हैं हिंदी में, जहाँ पे बेबी रहता है, यहाँ पे इसके अंदर सपोज बेबी रहता है, तो ये जो है ये सर्विक्स है, मतलब जो एकदम टिप है, ओपनिंग, हाँ यहाँ से जब ये हमेशा क्लोज रहता है सर्विक्स, ये जब ऐसा ओपन होगा तब हमारा नॉर्मली डिलीवरी टाइम में ओपन होता है ताकि बच्चा ऐसा बाहर निकल सके, तो ये नॉर्मली क्लोज रहता है। तो इसका जो मेजरमेंट है, मतलब जो लेंथ है, लेंथ सर्विक्स का जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर्स या फिर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, बट 3 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए करके मेरे डॉक्टर ने बोला। तो मेरा सर्वाइकल जो लेंथ है, जो मैडम ने चेक करने के बाद बताया कि 3 सेंटीमीटर्स हार्डली होगा या फिर 3 सेंटीमीटर से कम होगा, तब उन्होंने कहा कि आपको सर्वाइकल सर्कलाज प्रोसीजर करवाना होगा। तो मैं रियली बहुत टेंशन हो गई थी, सर्कलाज मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। तो डॉक्टर ने एक्चुअली बहुत अच्छे से मुझे समझाया कि सर्कलाज मतलब जब अगर आपका ये 3 सेंटीमीटर से कम होगा, सपोज़ ये लेंथ ज़्यादा नहीं होगा, तो क्या होगा, जब बेबी बड़ा हो रहा होगा ये बेबी का वेट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दैट्स लाइक अंडरस्टैंडेबल, हम समझ सकते हैं, जब बेबी का वेट ये नहीं ले पाएगा तो ये जल्दी ओपन हो जाएगा और बेबी जल्दी बाहर आ जाएगा, यानी कि एबॉर्शन भी हो सकता है या फिर प्री टर्म बेबी जो बोलते हैं, मतलब फुल्ली ग्रो नहीं होगा बेबी, मतलब 9 मंथ्स के बाद जो डिलीवरी होना चाहिए वो नहीं होगा, 9 मंथ से पहले ही बेबी बाहर आ जाएगा, मतलब 7th मंथ और 8th मंथ या फिर 5th मंथ 6th मंथ कभी भी, जब बेयर नहीं कर पाएगा ये ओपन हो जाएगा और बेबी बाहर आ सकता है। तो ये बहुत ही रिस्की हो सकता है बेबी के लिए भी, मदर के लिए भी। तो प्री टर्म बेबी होने से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बेबी को फर्दर थ्रू आउट हिज और हर लाइफ। तो इसीलिए ये प्रोसीजर करते हैं। इसको क्या करते हैं, इस प्रोसीजर में सर्वाइकल सर्कलाज, मतलब सर्कलाज में ही आप समझ लीजिए सर्कलाज सर्कल, तो सर्वाइकल को ऐसा स्टिच कर देते हैं, गोल सा ऐसा स्टिच कर देते हैं, ओके, सूचर डाल देते हैं, मतलब ऐसा टाइटली ताकि ये ओपन ना हो, ओके, दिस इज सर्वाइकल
सर्कलाज। ये कुछ नहीं, बस 20 मिनट्स का प्रोसीजर है। पहले हमें एनेस्थीशिया कर देते हैं। मेरे को एनेस्थीशिया दिया था, जनरल एनेस्थीशिया, मतलब फुल बॉडी एनेस्थीशिया दिया था, बिकॉज प्रेगनेंसी में जनरली जो कमर में जो देते हैं उसको स्पाइनल बोलते हैं, तो वो जनरली थोड़ा रिस्की होता है बेबी के लिए, तो इसीलिए जनरल एनेस्थीशिया बेस्ट है। तो मुझे जनरल एनेस्थीशिया दिया, और जस्ट एनेस्थीशिया के बाद हमें कुछ भी पता नहीं चलता है, कॉन्शियस में नहीं रहते हैं। तो डॉक्टर 20 मिनट्स में ये प्रोसीजर पूरा उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। तो 20 मिनट्स के बाद मेरे को नॉर्मली रूम में ले आई। एक्चुअली बहुत ही माइनर प्रोसीजर है, ये कोई ऑपरेशन भी नहीं है, जस्ट वहाँ पे स्टिच, मतलब टाका। सो 9 o'clock को, अराउंड 9 o'clock ऐसा हुआ था। 20 मिनट्स के बाद प्रोसीजर हो गया था, मेरे को रूम में भेज दिया था उन्होंने। तो इवनिंग तक वो मेरे को कॉन्शियस आया, इवनिंग तक मुझे इतना कॉन्शियस नहीं था, तो धीरे धीरे इवनिंग को मेरे को कंप्लीट कॉन्शियस आ गया। तो ये प्रोसीजर में ब्लीडिंग भी ज़्यादा नहीं होता, एकदम हल्का हल्का, डॉक्टर ने कहा था थोड़ा ब्लीडिंग हो सकता है, मेरे को तो इतना कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल एकदम थोड़ा सा कुछ ऐसा ब्लीडिंग जैसा हुआ था, दैट्स इट। वो भी उसी दिन हुआ था, बाद में नहीं हुआ था। फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर ने मेरे को मॉर्निंग डिस्चार्ज कर दिया। ये छोटा सा प्रोसीजर है, बट क्यों हमें एक दिन रखते हैं, क्योंकि हम प्रेग्नेंट होते हैं, बेबी है, तो वो सब बेबी का कंडीशन सब कुछ देख के वो थोड़ा आराम से हमें डिस्चार्ज करते हैं। सो उसके बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, यानी कि हमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं करना है। मेरे डॉक्टर ने तो मुझे वही बताया, वॉकिंग नहीं करना है। जनरली जो हम प्रेगनेंसी में वॉकिंग करते हैं, तो नॉर्मल जो प्रेगनेंसी है जिसमें सर्कलाज वगैरह या फिर अदर कोई प्रॉब्लम्स ना हो, वो लोग वॉकिंग कर सकते हैं। तो मेरे डॉक्टर ने मेरे को तो वॉकिंग ज़्यादा करने से मना किया, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, कुछ भी हैवी थिंग्स जनरली प्रेगनेंसी में उठाते नहीं हैं, तो वैसा कोई भी फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हम कोई भी फिजिकल वर्क करेंगे तो हमारा प्रेशर पड़ेगा बॉडी पे, सो डेफिनेटली वो कुछ ओपन होने के चांसेस होते हैं स्टिचेस, सो इसीलिए वो अवॉइड करने बोलते हैं। इवन हस्बैंड से भी आपको फिजिकल रिलेशनशिप अवॉइड करना है। देन आपको सोते समय पैर को पिल्लों के ऊपर दे के सोने से ज़्यादा बेटर है, लेग्स को पिल्लों के ऊपर दे के सोने से ज़्यादा। और देन मोशन जाते समय, यानी कि पॉटी करते समय भी ज़ोर से प्रेशर नहीं लगाना है। नॉर्मली प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होता है, तो इसीलिए फाइबर फूड ज़्यादा खाना है। तो फाइबर फूड खाने से हमें ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। सो उस समय भी प्रेशर नहीं लगाना है, प्रेशर लगाने से स्टिचेस ओपन होने के चांसेस होते हैं। ये सब सुनने में एक्चुअली बहुत ही डरावना लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए तो बहुत ही नॉर्मल सिंपल सा ही था, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा। जस्ट हमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करना है, या ये नहीं है कि पूरा लाइक कुछ भी नहीं करना है, ऐसा नहीं है। वॉकिंग कर सकते हैं, बट बहुत ही थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कोई भी फिजिकल प्रेशर नहीं लेना, दैट्स इट। तो ये सब केयर लेना है। सो ये सर्कलाज प्रोसीजर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें स्टिचेस ओपन करने तक पेन्स नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। पेन्स हमें कभी भी आ सकते हैं, स्टिचेस से और पेन से बिल्कुल भी कोई भी रिलेशन नहीं है। स्टिचेस जस्ट वो बेबी का वेट को बेयर करने के लिए, मतलब बेबी के वेट को बर्दाश्त करने के लिए ही दिए जाते हैं। ये स्टिचेस हमें 36 to 37 weeks, यानी कि 9th month होने के बाद, 1 week के बाद ऐसा ओपन कर देते हैं, अगर पेन्स नहीं आया तो। सो ये ओपन करते समय हमें कोई एनेस्थीशिया की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली मेरी डॉक्टर ने तो नॉर्मल ही मुझे, मैं जब कॉन्शियस में ही थी, नॉर्मल सा कर दिया था। ज़्यादा पेनफुल नहीं था, बट या थोड़ा लिटिल बिट पेनफुल लगा था, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा पेनफुल था, एक्चुअली डिस्कम्फर्ट था, दैट्स इट, पेन ज़्यादा नहीं था। तो या 36 week 9th month एंटर होने के बाद डॉक्टर ने इसको रिमूव कर दिया, ताकि जब भी पेन आए तो नॉर्मली बेबी बाहर अब आ सकता है। ऑब्वियसली 9th month होने के बाद बेबी फुली ग्रो हो चुका है, तो वो कभी भी बाहर आ सकता है। सो इसीलिए 9th month में डॉक्टर ने रिमूव कर दिया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सर्वाइकल सर्कलाज। सो आई होप कि ये वीडियो आपको मैं अच्छे से समझा सकी इस वीडियो में, और आप समझ गए। सो आई होप ये वीडियो से आपको हेल्प हुआ हो, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई दूंगी। अगर किसी को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैं नेक्स्ट अपने फर्दर वीडियोस से आप सबके सामने आऊँगी। अंटिल देन, बाय बाय।